discussed in our last class, place value and face value. Face value and place value expanded form से अपन ने short form बनाना सीखा था. Okay? So आज अपन exercise B करेंगे. Write the face value and place value of the color digit in is the following number. आपको क्या करना है कि जो नंबर जिस नंबर को कलर्ड किया गया है उस नंबर की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको राइट करनी है. ओके, सो 3069 तो इसमें कलर्ड कौन से नंबर पे किया गया है? 3 पे कलर्ड किया गया है. किस पे किया गया है? 3 पे कलर्ड. ओके, तो 3 की फेस वैल्यू अपन राइट करेंगे. तो मैंने जैसे आपको बताया था जिस नंबर की फेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है उस नंबर को अपन एजीपी जैसे कैसे राइट कर देते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू की. तो प्लेस वैल्यू को अपन कैसे देखेंगे कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू अपने से आप की गई है उस नंबर को देखते हैं कि वो कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है. तो अपन कैसे देखेंगे, जैसे 3 की प्लेस वैल्यू अपन से आस्क की है तो अपन कैसे देखेंगे, 1, 10, 100, 1000 कहाँ पे प्रेजेंट है, ये 1000 पे. तो कितने 1000 हो गए? 3000. तो बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3000. ओके, नेक्स्ट 9 की प्लेस वैल्यू अपने से आस्क की है तो 9 की फेस वैल्यू अपने से आस्क की है तो फेस वैल्यू तो अपन एज इट इज ऐसे कैसे ही राइट कर देंगे. ठीक है, फेस वैल्यू तो अपन ऐसे की वो नंबर ऐसे की ऐसे ही अपन यहाँ पे राइट कर देंगे. अब देखते हैं प्लेस वैल्यू. तो देखो 9 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? 1, 10 कहाँ पे प्रेजेंट है? 9 10 पे प्रेजेंट है. तो बताओ 9 को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 90. क्या आएगा? 90. ठीक है, फिर देखो 9 की थर्ड में 9 की फेस वैल्यू पूछी है तो 9 को तो अपन एजिटी जैसे कि ऐसे ही राइट कर देंगे. और फिर अपन देखते हैं 9 की प्लेस वैल्यू. क्या देखेंगे? 9 की प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू के लिए अपन 9 को जो है देखेंगे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है. तो 1, 10, 100 कहाँ पे प्रेजेंट है? 100. अब बताओ यहाँ पे कितने 100 है? 900. 900 100 पे प्रेजेंट है और 100 पे क्या प्रेजेंट है? 9 प्रेजेंट है क्योंकि अपने को प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है? 9 की पूछी है. तो 900 अपन आंसर में राइट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट 5 की फेस वैल्यू आस्क की है तो 5 को अपन एज इट इज जैसे कैसे राइट कर देंगे. अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की. तो प्लेस वैल्यू में अपन क्या करते हैं कि देखते हैं जिस नंबर की प्लेस वैल्यू अपने से आस्क की गई है उस नंबर को देखते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है. तो देखो 1 कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 पे. तो 1 क्या, तो 1 जहाँ 1 पे प्रेजेंट है तो वो इस नंबर को भी अपन ऐसे कैसे राइट कर देंगे. अगर 10 पे प्रेजेंट होता तो यहाँ पे अपन 10 लगाते, 100 पे होता तो 20 लगाते और 1000 पे होता तो 30. बट ये कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी 0 नहीं आएगा. ओके, चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. क्या करना है अपने को? इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन कैसे राइट करते हैं कि लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड ये वाला है तो लेफ्ट साइड के फर्स्ट नंबर को देखते हैं. तो लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर क्या है? 3. तो आप काउंट करो कि 3 के बाद में कितनी डिजिट है, उतने ही 0 अपन यहाँ पे लगा देते हैं. तो देखो 3 के बाद में कितने 0 है? 1, 2, 3 कितने 0 है? 3. तो यहाँ पे 30 राइट कर देते हैं. ये मैंने आपको एक बिल्कुल इजी तरीका बताया है. बाकी अगर इसको करने का जो एज इट इज तरीका होता है वो ये होता है
कि अपन लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो 1, 10, 100, 1000 कहाँ पे प्रेजेंट है, 3000 पे। तो बोलो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3000, क्या आएगा, 3000, ओके। प्लस नेक्स्ट है 0, 0 को अपन राइट नहीं करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट डिजिट है 8, ठीक है। तो 8 जो है देखेंगे 8 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10, 8 कहाँ पे प्रेजेंट है, 10 पे। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 80, क्या आएगा, 80। फिर लास्ट डिजिट को अपन एचडी जैसे कैसे राइट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट मीन्स 4 देखिए कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। 1, 10, 100, 1000 कहाँ पे प्रेजेंट है, 4000 पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 4000। फिर देखो नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2। तो 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10, 100 कहाँ पे प्रेजेंट है, 100। तो क्या राइट करेंगे, 200, ठीक है। अब देखो सेकंड डिजिट, नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10। तो यहाँ पे कितने राइट करेंगे, 50, ठीक है, क्योंकि 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। और लास्ट डिजिट अपन एजिटी जैसे कैसे राइट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट देखिए कि कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10, 100, 1000 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1000 पे। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, 7000 प्लस 0 का जो 0 को अपन क्या है राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए 9 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10 पे प्रेजेंट है। तो 9 को क्या करेंगे अपन, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएंगे, 90। प्लस लास्ट डिजिट को एजिटी जैसे कैसे राइट कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो लेफ्ट साइड की फर्स्ट डिजिट 8 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10, 100, 1000 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1000 पे। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी, 8000 प्लस 9 देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 10, 100। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, 900 प्लस 1, 10, 7 कहाँ पे प्रेजेंट है, 10 पे। तो 10 के लिए अपन क्या करते हैं, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 70। प्लस लास्ट डिजिट को ऐसे कैसे राइट कर देते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर और ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो डिजिट्स दी हुई है, उनको नंबर्स में राइट करना है, ठीक है। तो देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया हुआ है, किसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अपने को क्या करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं और सबकी जो है फर्स्ट डिजिट को राइट कर देते हैं। तो देखो 5, 4, 3, 2 क्या किया अपन ने, 0 को हटा दिया है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो 6000 प्लस 400 प्लस 510 प्लस 4 वंस, इनको नंबरिंग में कैसे राइट करेंगे अपन, ये 1000, 100, 10, 1s ये क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अपन कैसे राइट करेंगे, 6, 4, 5, 4, ओके। नेक्स्ट देखिए 8000 प्लस 300 प्लस 8 वंस, अब अपने को क्या करना है, वही 1000, 100, 1s को क्या करना है, हटा देना है। और नंबर कैसे राइट करेंगे, 8, 3, 8, 8, 3, 8, ओके। अब नेक्स्ट देखिए 1s, अब क्या करना है, ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया गया है, अपने को क्या करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, शॉर्ट फॉर्म। तो देखो 1, 10, 100, 1000 तो 1000 कितने हैं, 9 है, तो 9 यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। फिर देखो 100 यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट क्या है, 10 है, तो 100 भी तो अपने को राइट करना पड़ेगा ना। तो 100 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1
जीरो लगा देंगे। ओके टेंस में देखो वन टेन, टेन कितने हैं वन है, तो वन राइट कर देंगे। लास्ट वाली डिजिट को अपन एचडी जैसे ही राइट कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन 4356, थ्री इज इन द प्लेस। अपने को क्या बताना है, थ्री जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका प्लेस बताना है। क्या बताना है, प्लेस। यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनका क्या बताना है, प्लेस बताना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है थ्री कहाँ पे प्रेजेंट है, चलो देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। वंस टेंस हंड्रेड कहाँ पे प्रेजेंट है, हंड्रेड पे। तो अपन क्या करेंगे, एज इट इज हंड्रेड को राइट कर देंगे। कैसे राइट करेंगे, वर्ड में हंड्रेड, क्या राइट करेंगे, हंड्रेड पे प्रेजेंट है। फिर देखो नेक्स्ट डिजिट में 2099 में टू कहाँ पे प्रेजेंट है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कहाँ पे प्रेजेंट है, थाउजेंड पे। तो थाउजेंड की स्पेलिंग यहाँ पे राइट कर देंगे अपन। फिर देखो नेक्स्ट वंस सेवन, देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, वंस टेंस हंड्रेड कहाँ पे प्रेजेंट है, हंड्रेड पे प्रेजेंट है, कहाँ पे हंड्रेड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आ रहेगा ना, हंड्रेड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो एट कहाँ पे प्रेजेंट है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड कहाँ पे प्रेजेंट है, थाउजेंड पे। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देंगे, थाउजेंड राइट कर देंगे, है ना। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। अब करते हैं बात अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म, क्या करना है अपने को, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। तो क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड से देखिए, थाउजेंड कितने हैं वन, टेंस कितने, हंड्रेड कितने हैं फोर, टेंस कितने हैं फाइव, वन कितने हैं सिक्स। सेकंड भी ऐसे ही करेंगे, थाउजेंड कितने हैं नाइन, हंड्रेड कितने हैं फोर, टेंस कितने हैं सेवन, वन कितने हैं वन। ओके ये अपन ने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लिया। आई होप आपको एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। अब आप इजीली अपनी नोटबुक में जो है ये वाला वर्क कर सकते हो, और अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हो, कर सकते हो ना। ओके इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।